राजधानी जयपुर में विप्र सेना की ओर से पंचायत होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका और स्थिति विषय पर मंथन किया गया। प्रदेश भर से आए हुए विप्र सेना के पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान विप्र संबल योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत जयपुर के 900 से अधिक मंदिरों में विप्र सेना की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, तो वहीं मंदिर पुजारियों का सम्मान कर सहायता प्रदान की गई। होली मिलन समारोह में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, मुख्य सचेतक महेश जोशी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि विप्र सेना हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगी। सम्मान समारोह रखा गया, विप्र महापंचायत रखी गई है। इसमें ब्राह्मण समाज के सामने आने वाली समस्याओं का, उनके निराकरण का, उसमें किस प्रकार से विप्र सेना और विप्र सेना के सारे जो सदस्य हैं, जिनको हम ये कहें विप्र सैनिक हैं, वो किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में अपनी बात एक उठाने का रखने का एक उचित माध्यम विप्र सेना ने तैयार किया विप्र पंचायत के माध्यम से। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के बंधुओं के सामने जिस तरीके से भी कोई समस्या आती है, उसके निराकरण करने के लिए विप्र सेना अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन करेगी। विप्र पंचायत का विप्र सेना द्वारा आयोजन रखा गया है और होली मिलन समारोह भी रखा गया है। इसमें ब्राह्मणों की जो राजनीति में आज जो दुर्दशा है, उस पर चर्चा रखी गई है और ये 9 विधानसभा जयपुर की और राजस्थान की 36 विधानसभाओं में रखा जाएगा। आखिरी में एक महापंचायत होगी, इसमें लाखों की संख्या में जयपुर में लोग ब्राह्मण पहुंचेंगे और एक विप्र संबल योजना जिसमें जयपुर के छोटे 900 मंदिरों को आर्थिक सहायता।